मेरा नाम अमारा है, मैं आर्ट एंड डिज़ाइन की स्टूडेंट हूँ कम्युनिकेशन डिज़ाइन की। आज हमारी ड्राइंग की क्लास में हमें असाइनमेंट मिला था कि कॉन्वोकेशन हॉल की हमने लाइव पेंटिंग करनी थी, तो इस वजह से हमारी पूरी क्लास डिपार्टमेंट से कॉन्वोकेशन हॉल के सामने आई है ताकि हम ये लाइव पेंटिंग का असाइनमेंट कर सकें। और आज आर्टिस्ट डे भी है, इस वजह से हमारी असाइनमेंट आज के दिन रखी गई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा बसीर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की स्टूडेंट हूँ फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की। और आज हम लाइव पेंटिंग करने के लिए कन्वोकेशन हॉल आए हुए हैं और हम इंजॉय भी कर रहे हैं और लाइव पेंटिंग भी बना रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं पेशावर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ फाइन आर्ट डिपार्टमेंट की। आज हम फाइन ईयर वो पेंटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इधर वो कन्वोकेशन हॉल आए हुए हैं, पेंटिंग भी बना रहे हैं और हमें बड़ा मज़ा भी आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम वसीउल्ला है और मैं आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट से हूँ और यह हम आए आर्ट आज आर्टिस्ट डे वो हम इंजॉय कर रहे हैं और हम इस हवाले से वाटर कलर पेंटिंग कर रहे हैं और ये सामने कन्वोकेशन हॉल है, हम यही वाटर कलर में बना रहे हैं। मेरा नाम मिसबा रहमान है, मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ, पेंटिंग का स्टूडेंट हूँ। और आज आर्टिस्ट डे है, 25 अक्टूबर को हमारा हर साल आर्टिस्ट डे मनाया जाता है और अदर हम अब कन्वोकेशन हॉल का हम लाइव पेंटिंग बना रहे हैं। सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है पेंटिंग हम अभी बना रहे हैं लाइव पेंटिंग, और अभी हमारा प्रोसेस जारी है तो इंशाल्लाह काम पूरा हो जाए तो और हम डिटेल बताएंगे आप लोग। जी मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है और मैं आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट से हूँ और यहाँ पर आर्टिस्ट डे के हवाले से जो कि 25 अक्टूबर को है तो हम आउटडोर पेंटिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और काम कर रहे हैं अपना।
मैं डीन साहब और जो चेयरपर्सन साहिबा है, हमने लाइव पेंटिंग वाटर कलर एग्जीबिशन था, इसका इफ्तिताह किया। और जो आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट है पेशावर यूनिवर्सिटी का, ये पेशावर यूनिवर्सिटी के बेहतरीन डिपार्टमेंट्स पे इसका शुमार होने लगा है। और मुझे बड़ी खुशी के साथ ये ख़बर आपके साथ शेयर करनी पड़ रही है कि जी पेशावर यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट ने इस साल एमफिल आर्ट एंड डिज़ाइन और पीएचडी आर्ट एंड डिज़ाइन, इनके भी जो डिग्री प्रोग्राम है वो शुरू की हुई। और ये हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में पहला डिपार्टमेंट है जो आर्ट एंड डिज़ाइन में पीएचडी की डिग्री देगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन का ये जो आज का प्रोग्राम है, ये थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये कंपटीशन है कि वाटर कलर में लाइव पेंटिंग्स, ख़ास तौर पे पेशावर यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है उसका जो फ्रंट व्यू है उसको उन्होंने ड्रा किया और फिर उसकी कलरिंग की। तो ये उनको टास्क दिया गया था राउंड अबाउट 3 आवर्स में, एंड विच दे वेरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इसके अलावा ये एक बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन उन्होंने किया। इससे पहले इन्होंने कैलीग्राफी के एग्जीबिशन करवाया तो वो भी 3 आवर्स में था, बाड़ा गली पेशावर यूनिवर्सिटी समर कैंपस में। और इसके अलावा एक और बड़ी खुशखबरी की बात कि आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी वो एडवर्टाइज हुआ, एडमिशन फाइनलाइज हो गई, अभी उसकी क्लासेस जो है वो शुरू हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, अचीवमेंट है, और ये पूरे पाकिस्तान में वाहिद डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन है जहाँ पे एमफिल और पीएचडी शुरू हो चुकी है। थैंक्स टू दी एडमिनिस्ट्रेशन, वाइस चांसलर पेशावर यूनिवर्सिटी और चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर जिल्ले हुमा, डॉक्टर इमरान असीमी एंड रेस्ट ऑफ द स्टाफ मेंबर। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। कि ये हमने इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे को सेलिब्रेट किया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे होता है कि 25th अक्टूबर जो है इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे इसको मनाया जाता है। तो उस सिलसिले में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन ने 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है आज प्लान की थी, जिसमें एक हमारा लाइव वाटर कलर की कंपटीशन था जिसमें बच्चों ने, हमारी थर्ड ईयर की क्लास ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की बिल्डिंग की लाइव पेंटिंग की थी, एक हमारा फैकल्टी ने और स्टूडेंट्स ने एक आर्ट गैलरी प्रिपेयर की थी जिसमें अपना जितना उनका काम है वो डिस्प्ले किया था, और कुछ थोड़े से हमने बच्चों से वो किया था कि स्टॉल्स लगाएं, कुछ एक्टिविटीज़ क्रिएट करें, उसमें गेम्स के स्टॉल्स से, ईटेबल्स के स्टॉल से। तो हम चाहते थे कि इस इवेंट को हम थोड़ा यादगार बनाएं और आर्ट के हवाले से लोगों को, आर्ट को प्रमोट करें, लोग आएं, देखें, अप्रिशिएट करें बच्चों के काम को। तो इस सिलसिले में हमने ये इवेंट जो है ये आज पूरा शाम तक के लिए प्लान किया हुआ है। इसमें ज़्यादा हमारे अपने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, स्टॉल्स लगाने में हमारे साथ बाहर से भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। कुछ इसमें एक दो बच्चे थे जो स्पेशल चाइल्ड्स थे, उनको हमने स्टॉल्स दिए थे, उन्होंने अपना पेंटिंग का काम डिस्प्ले किया है। कुछ जो घरों में लोग अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं उन्होंने स्टॉल्स लगाए थे, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी हमारे अपने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आर्ट की एग्जीबिशन भी की है और आर्ट के स्टॉल्स भी लगाए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आपको वीसी साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पे एमफिल पीएचडी प्रोग्राम आर्ट एंड डिज़ाइन का, जो कि पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर हमने लॉन्च किया है, पंजाब में और एरियाज़ में प्रोग्राम्स हो रहे हैं लेकिन वो स्पेसिफिक आर्ट की फील्ड में हैं, आर्ट के सब्जेक्ट्स पे हैं। आर्ट एंड डिज़ाइन में एज अ स्पेसिफिक पीएचडी एमफिल नहीं था, तो वो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में फ़र्स्ट टाइम हमारे डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। हमारा थोड़ा सा यहाँ पे इशू आप देख रहे हैं जैसे जगह का है, हमारे पास क्लासेस कम हैं, तो आज वाइस चांसलर साहब जिसके विज़िट के लिए आए थे और वो बहुत ज़्यादा हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो स्पेस का जो हमारा प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेंगे और हमारे लिए कोई बेहतर इससे स्पेस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे काम के लिए आपको पता है स्टूडियोज चाहिए होते हैं, बच्चों को एरिया चाहिए होता है बड़ा, तो वो हमारे पास स्पेस नहीं है क्लासेस की। तो आज हमारे डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने एक कोशिश की कि आज के दिन को हम सेलिब्रेट करें। वैसे तो हम कहीं पर भी इसको सेलिब्रेट करते हैं लेकिन आज हमने स्पेशल फोकस किया है कि अपने डिपार्टमेंट को प्रमोट करने के लिए हमने यही सोचा कि हम क्यों ना ये एक्टिविटी जो है हम डिपार्टमेंट में करें। और आज की जो सेलिब्रेशन है वो हमने 2 फेज़ में
उसको सेलिब्रेट किया है। एक तो ये कि हमारे स्टूडेंट्स ने कॉन्वोकेशन हॉल और कॉन्वोकेशन की जो बिल्डिंग है उसको ऑन द स्पॉट जो है वो पेंट किया है, और सेकंड यहाँ पर आपको जितने भी फूड स्टॉल और पेंटिंग स्टॉल जो नज़र आ रहे हैं वो सारे हमारे अपने स्टूडेंट्स के हैं, और जो फूड है वो भी स्टूडेंट्स ने होममेड है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट में एग्जीबिशंस है वो फैकल्टी की एग्जीबिशन है, जिसमें आपको डिफरेंट मीडियम्स जो है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें वाटर कलर है, नाइफ पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है। तो ये हमारी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह बाकी डेज जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, तो स्पेशली ज़रूरी नहीं है कि ये डे जो है आर्टिस्ट के लिए ही इम्पॉर्टेंट हो, जो भी ऐसे लोग हैं जिनमें एक एस्थेटिक सेंस है और जिनमें एक हिडन आर्टिस्ट छुपा हुआ है, मेरा ख्याल आज के दिन की अहमियत जो है वही लोग जान सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अलीहा मसूद है, मैं आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट से थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, और आज हमारा इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे है और हमने यहाँ पे स्टॉल्स लगवाए, छोटा सा फंक्शन अरेंज किया है ताकि लोग जाने के आर्ट के हवाले से, और यहाँ पे कैनवासेस लगाए गए हैं, हमारा आर्ट देखा जाए कि हमारे टीचर्स हमारे साथ कितनी मेहनत करते हैं, हमें आर्ट सिखाते हैं, और ये दिन आज हम अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ मनाया जा रहा है। और यहाँ पे हमने फूड स्टॉल्स लगवाए हैं, और हमारी जो HOD है उसने हमारे लिए सारे इंतज़ाम किया हुआ है, तो उस पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है जहाँ पर डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट के जो आर्टिस्ट हैं हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम अपना टैलेंट शो कर सकें और अपना आर्ट वर्क को एग्जीबिट कर सकें। मेरा नाम अक्सा नादिर है और मैं थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। हमारे ख्याल से इस डे को मनाना चाहिए क्योंकि आज 25 अक्टूबर है, वर्ल्ड आर्टिस्ट डे, तो हम इसके ज़रिए अपने टैलेंट को लोगों के साथ शेयर करते हैं और अपने टैलेंट को दिखाते हैं, और यहाँ पर फूड स्टॉल भी लगे हुए हैं और हम सब बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। मेरा नाम सुबा है और हमारे डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो उस हवाले से मैंने स्टॉल में से मैंने ब्राउनीज का स्टॉल लगाया जो कि होममेड है, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा गया है, तो मैंने होममेड बनाई है इसके बाहर से मैंने। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमशेद है और मैं पिज़्ज़ा बॉक्स की तरफ से स्टॉल लगाया है, हमारा लोगो ये है, और बड़ा अच्छा माहौल है, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ हमारा, आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट और स्टॉल की काफ़ी प्रिपरेशन में हमारा हेल्प किया है आर्ट एंड डिपार्टमेंट वालों ने। मानू मसीब दे और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के सबक में और दिल तरागल हम दिलता डेर आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट था, दिलता डेर पेंटिंग्स दी और पेंटिंग्स जुड़ शी हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मेरी टीम ने आज आर्टिस्ट इंटरनेशनल डे था आज, तो इसलिए हमने स्टॉल लगाया था कि लोग इंजॉय करें आए, हमने यहाँ पे हिट द डॉट लगाया था कप गिराने के लिए एंड वी हैव आल्सो पॉट इन द कप, तो हमने ये लगाए थे कि लोग इंजॉय करें और बहुत लोग आए भी हैं, इंजॉय भी किए एंड दे हैव प्लेड। ये हमारे पास हिट द कप है, इसमें हमने ये प्राइजेस रखे थे, इसको जो सारे इन कप्स को बॉल से ड्रॉप करना था, जो इसको ड्रॉप करेंगे तो उनको हमने प्राइज देना था, और इसी तरह हमारे पास डॉट हिट द डॉट था, इसमें भी हमने प्राइजेस रखे थे, जो रेड डॉट को हिट करेगा हमने उनके लिए की चेन्स रखे थे कि वो उनको प्राइज में वो मिलेंगे, और साथ में फिर ये पॉट इन द कप्स थे, इसके लिए भी हमने सेम वो किया था, प्राइजेस रखे हुए थे जो डिफरेंट था, अगर दो बॉल्स पुट करते तो हम उनको कोई खाने की चीज़ देते, और अगर वो चार की चार बॉल पुट करते तो हम तब भी एक की चेन देते और साथ एक और प्राइज़ देते।